रोजगार से जुड़ी एक खबर आ रही है। बिहार के सभी थानों में एक एक थाना प्रबंधक की नियुक्ति होगी। थाना प्रबंधक के पद स्थायी होंगे। इस पद पर नियुक्त हुए कर्मचारियों का काम थाना प्रभारियों को मदद करना होगा। ये जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दी। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में थाने के देखभाल के लिए समीक्षा बैठक में थाना प्रबंधक की नियुक्ति की बहाली का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब इन नियुक्ति को बहाली का काम शुरू हो गया है। 1000 से ज्यादा पदों पर थाना प्रबंधक बहाल होंगे। ये नियमित पद होंगे और इनकी सीधी नियुक्ति होगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि वर्तमान में थानों के प्रबंधन का जिम्मा थानेदार का होता है। कार्य की अधिकता की वजह से थानों का बेहतर प्रबंधन थानेदार नहीं कर पाते। कई बार कंप्यूटर, रजिस्टर, थाना भवन की मरम्मत जैसे काम इस समस्याओं से बाधित होते हैं। ऐसी समस्याओं का भविष्य में सही समय पर समाधान किया जा सके, इसके लिए थाना प्रबंधक की नियुक्ति होना बहुत आवश्यक है। थाने के प्रत्येक जरूरत का आकलन प्रबंधक करेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को मुहैया कराएंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होगी। लक्ष्य है कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।